एट फर्स्ट हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके पहले सर्च करेंगे EZ स्मार्ट होम। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए है, आप वहीं से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इंस्टॉल हो गया है और ऐप्स ओपन कर लेते हैं। मैं मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट से करूँगा तो मेरे को लॉगिन ऑप्शन दिखाएगा, और आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो आप लोग को रजिस्टर ऑप्शन दिखाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके रजिस्टर का जो ऑप्शन है वही करके दिखाऊँगा। एग्री कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप डिसएग्री करोगे तो प्रीवियस मेनू में चले जाओगे, और एग्री करने से नेक्स्ट में जाओगे। कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, तो IN टाइप करके भी आप, या फिर आप फुल टाइप करके भी कर सकते हो। आपका यहाँ पे मेल आईडी मेंशन करना है। याद रखना है कि मेल आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड आपको मेल में ही मिलेगा। गेट वेरिफिकेशन जो कोड मिलेगा आपको मेल पे ही मिलेगा। मेरा ईमेल में EZ की तरफ से एक मेल आ गया है। वहाँ पे जो कोड है 6 या फिर 8 जो भी डिजिट का है वो वाला आ गया है EZ की तरफ से एक मेल। देखते हैं यहाँ पे क्या है। नॉर्मली आपको यहाँ पे से कोड कॉपी करके पेस्ट नहीं कर पाओगे, तो टाइप करके ही नॉर्मली 6 डिजिट का एक कोड है, आपको टाइप करना है यहाँ पे। टाइप करने के बाद आपको पासवर्ड चूज़ करना है, मिनिमम 6 to 20 कैरेक्टर, और पासवर्ड आप कैप्स, स्मॉल, न्यूमेरिक और नंबर के मिक्सचर से ही बनाइए तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैंने अपना पासवर्ड तो बना लिए, डन कर लिए, और इसके बाद देखते हैं क्या दिखाता है। हाँ, यहाँ पे गो टू ऐप्स में चले आएंगे। वो वाला क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा, गॉट इट में क्लिक करना है। उसके बाद ऐड डिवाइस, ऐड डिवाइस करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाएगा। सैमसंग स्मार्ट AC, मार्क्यूएस स्मार्ट AC, मोटोरोला स्मार्ट AC, मोटोरोला रेफ्रिजरेटर, मोटोरोला वॉशिंग मशीन, आप आपके हिसाब से चूज़ कर लीजिए, अलाउ कर लीजिए। इसके बाद आपको वाईफाई से पेयर करना है, और आपको ध्यान में रखना है कि वाईफाई जो नेटवर्क है वो मिनिमम 2.4 GHz होना चाहिए। मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करना है। तो इससे पहले आपको जाके इंडोर यूनिट का वाईफाई रीसेट करना है। तो फिज़िकली मैं अभी दिखा दूँगा आप लोग को, वो सेम जगह पे ही हर इंडोर का वाईफाई का रीसेट बटन रहता है। फॉन्ट पैनल आपको खोलना है, नॉर्मली पुल करके अप करना है, पुश करके पुल करना है, सॉरी। तो यहाँ पे जो
बजर है उसमें ही आपको एक छोटा सा स्विच आपको दिखेगा। तो आप सिम टूल किट से या फिर नोटिस बोर्ड पिन से आप इसको 10 सेकंड तक पुश करके रखना है। उसके बाद ग्रीन ऑरेंज कंपनी वाइज लाइट होता है, तो लाइट ब्लिंक करने से आप इसको छोड़ दीजिए तो आपको वाईफाई रिसेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 सेकंड करने के बाद मेरा यहाँ पे ग्रीन ब्लिंक कर रहा है लाइट, तो अभी वाईफाई तो रिसेट हो गया है। इसके बाद ऐप्स में जाएंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, 1 से 1.5 मिनट आपको कंटिन्यू करना है। वेट, क्लाउड क्लाउड कनेक्ट होगा उसके बाद ही हाँ किप करना है। तो अभी जाके क्लाउड कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका वाईफाई से जो आपका मोबाइल ऐप्स है उसमें से ऐसी वाईफाई और आपका मोबाइल ऐप्स कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्ट हो गया है, मेरे यहाँ पे मार्की वैसी है, तो आपको डन करना है। इसी का नाम आ गया है, तो डन कर देने के बाद आपको मोबाइल में रिमोट का इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको नॉर्मली स्क्रीन को यूजेबल करने के लिए टच करना है, जैसा जैसा ऑप्शन आपको दिखाएगा उस टाइप का आपको टच करना है। तो आप अभी यूजेबल मोड में है ये वाला, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटो कूल ड्राई ऑप्शन सारा दिया हुआ है। ज़्यादा फीचर्स में नहीं है, तो जनरली जितना आपको रिमोट में है वही सारा ऑप्शन आपको फ़ोन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप माइनस प्लस से टेम्परेचर बढ़ा कमा सकते हो, जैसा कि मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये वाला देखिए। आप अपने रिक्वायर के हिसाब से यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आप स्लीप मोड में टाइम भी सेट कर सकते हो, एट टाइमिंग कि आपके रिक्वायर के हिसाब से कब एसी बंद करना है कब चालू करना है। तो इसके बाद आते हैं पावर, पावर आपको राइट साइड में ऊपर में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बंद कर दिया। उसके बाद वही सेम को पुश करने से ऑन भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।